जी तो गाइस ये आवाम पैसे दे के बाहर हो रही है ऊपर जाने के लिए। और जी ऊपर चली गई और आवाम पीछे पीछे जा रही है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। फाइनली काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो कदम के साथ टूर प्लान किया है। अभी टूर जो प्लान है वो रत्ती गली कश्मीर का है। तो अभी मेरे साथ जो है ना वो हैं रहवान भाई। तो क्या हाल जी? सब भैया ना ठीक हो? और साथ हारिस है, वासिक है और साथ साथ भाई हैं। तो अभी प्लान जो है ना वो रत्ती गली का है। रात को तकरीबन 10 बजे हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पेट्रोल वगैरह भी फुल करवाया है और यहाँ से फिर सीधा एबटाबाद, एबटाबाद से मलसेरा और गढ़ी बिगुला वाले रास्ते से जाना और पहुँचे मुजफ्फराबाद। आगे मिलते हैं। क्यों जी वासिक भाई, रेडी हैं आप? फिर फाइनली यार मलसेरा पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो है ना चाय पीने के लिए ब्रेक ली है। साथ हैं और वासिक और अवैस सॉरी साथ जो है ना वो गाड़ी में पानी छानी चेक कर रहे हैं। तो चाय पीते हैं और चाय पी के जो है ना फिर आगे निकलते हैं। फाइनली जी गढ़ी हबीबुल्ला पहुंच चुके हैं और हमारे अजी साहब की जो है ना वो तबीयत ख़राब हो गई है। और ये दूसरे भाई बैठे हैं। क्यों जी भाई, तंग तो नहीं हुए हैं? ना जी बिल्कुल, इस टाइम सुकून में, मौज में, चस आ रही है। इंशाल्लाह सफ़र अच्छा गुजरेगा। बस अभी रेस्ट शेस्ट थोड़ा सा कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह दोबारा रवाना किया। गढ़ी हबीबुल्ला पहुँच चुके हैं तकरीबन रात के अभी इस वक्त 1 बज गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल 12:51 हो गए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुजफ्फराबाद जो है ना वो 3-3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह सुबह तक आगे कुंडलशाही पहुंच जाएंगे और नाश्ता वगैरह इंशाल्लाह प्रोग्राम है कुंडलशाही में करने का। अभी हम पहुंच आए हैं ये जो पुल है और ये डैम बना हुआ है इस डैम के पास। सुबह सुबह का टाइम चल रहा है और ये और ये हम पहुंच चुके हैं जी इंडिया। ये इंडिया का परचम है और ये जैसे इंडिया का स्कूल और वो हिंदुस्तान का वो ये मकबूजा कश्मीर है जैसे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। तो इसमें लास्ट टाइम जब मैं आया था तो लोग वगैरह भी थे, वो आप देख सकते हैं। वो एक औरत है वहाँ पे काम वगैरह कर रही है। फाइनली यार हम दोराइया के मकाम पे पहुँच चुके हैं और ये जीप वाले भाई हैं, ये वादे लगा रहे हैं रत्ती गली के लिए। आओ जी आओ जी आओ जी, और कांगड़ा बांधिए तारो। ये अपने पुराने बिजनेस को जो है ना दोहराते हुए तो है ना वो दवाइयाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे जो है ना जीप वगैरह देख ली है, बात की है बंदे से, बहुत ज़्यादा रेट जो है ना ये मांग रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपने कपड़े चेंज किए, पैंट शर्ट पहनी है? हाँ बिल्कुल, पैंट शर्ट तो पहनी है। बटन खोल के दिखाएंगे ना, नोट लगा के आया ना भाई। जी साहब बटे आप देख सकते हैं जीप जो है ना वो बिल्कुल फंस गई है, वो ऊपर रास्ता ही ब्लॉक है। यहाँ पे जीप भी जो है वो फंसी हुई है, ये देखते हैं, ट्राई करते हैं इस जीप को निकालने के लिए। भाई साहब साइड पे हो जाएं, नीचे आ जाएंगे दोबारा से, फिर वहाँ भाई साहब आप नीचे जाएं ना, जाके उसे गाइड करें। जी तो गाइड, ये आवाम पैसे दे के बाहर हो रही है ऊपर जाने के लिए। और जी ऊपर चली गई और आवाम पीछे पीछे जा रही है। जबान भाई इसे पैदल चल जाते ज़्यादा अच्छा नहीं था? सही बात है जी, पैदल अगर जाते टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, लेकिन इस पानी से बच जाए। आधा रास्ता वैसे ही हमने चल के जाना है ऊपर, इससे जो है ना अगर हम पैदल चले जाते तो वो
तीन घंटे की दलालत के बाद हम रती गली बेस कैंप पहुँच चुके हैं और अभी दो घंटे की और दलालत बाकी है क्योंकि यहाँ से ऊपर जो है ना अभी पैदल चलना है, चाहे घोड़ों पे चलें या चाहे पैदल चलें, वो हम देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी वो दलालत बाकी है और उसके बाद हम पहुँचेंगे रती गली। काफ़ी मुश्किल रास्ता है और तीन जवान हम चल रहे हैं और दो जवान जो है ना वो पीछे रह गए हैं, वो नीचे बैठे हैं साथ और वासिक वो आ रहे हैं चलते चलते। एक हमारे हाजी साहब ऊपर, हाजी साहब टॉप और टॉप जा रहे हैं, ठीक है। मैं और साहिबान हम दोनों जो है ना वो वीडियो बनाने के लिए रुके और कुछ थोड़ी सी जो है ना वो वीडियोज वगैरह बनाई और अभी जो है ना चलते आ रहे हैं। और ये भाई, ये थकन वाले भाई हैं, ये दोनों भाई जो है ना वो घोड़ा करवाने का सोच रहे हैं क्योंकि हमारा तो ये प्लान था कि नहीं करवाते क्योंकि 1000 पर हेड के हिसाब से जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। पांच बंदे हैं, 5000 की डर है, तो 5000 जो है ना वो हम चल के जाएं और 5000 का फिट सा जो है ना अपना खाना पीना क्यों ना करें, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि घोड़े नहीं करवाते हैं और आई थिंक ये दोनों करवाएँगे, मैं हारिस और साहिबान हम तीनों जो है ना वो घोड़े रेंट पे नहीं लेते और ऐसे ही चलते हैं। जवान बंदे हैं अभी, अगर अभी से ही हमें जो है ना वो घोड़ों की जरूरत पड़े तो क्या फ़ायदा है, क्यों साहिबान? बिल्कुल जी, यही बात है, हमारे घोड़ों में अभी इतना सांस है कि हम 2-2.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के जा सकें। इतना डिस्टेंस भी नहीं है ना, तकरीबन 2 किलोमीटर है, सिर्फ ये है कि बस जस्ट जो है ना वो पहाड़ है, पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना है, ठीक है। तो बाकी ऊपर जाना स्लोली स्लोली जाएँ तो कोई इशू नहीं है, 1 घंटे में आप आराम से जो है ना वो पहुँच सकते हैं। यार माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त व्यू है, ये नीचे जो है ना वो आप छोटी सी झील समझ लें, वो जमी हुई बनी है और वो ऊपर से जो है ना वो आबशार आ रही है, आई थिंक इसके बैक साइड पे जो है ना वो लेक है। सफ़र रती गली की तरफ रवा दवा है, हाजी साहब वो आगे आगे जा रहे हैं और ये दूसरे जवान भी घोड़ों पे आके निकल गए हैं, मैं और साहिबान जो है ना वो स्लोली स्लोली जा रहे हैं। हम दोनों गरीबों को किसी ने घोड़ों को पूछे नहीं है, हम पैदल ही बस 11 नंबर पर वादा खिलाफी की है उन्होंने, इसलिए हम उन पर फाइन डालेंगे और बजट में से घोड़ों के पैसे नहीं देंगे। फाइनली अभी रती गली पे पहुंच चुके हैं और सरप्राइज है आपके लिए व्यू गाइस, हम वो दो और दिन तीसरा चला गया, हम वो दो मर्जवान हैं जिन्होंने हाइकिंग करके 2.5 घंटे में इस चोटी को सर किया है, बाकी हमारे दो जो हमारे साथ कंपेनियन थे वो पट मार गए हैं, ये मर्दों का काम है। व्यू देखें आप, ओए होए 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 होए, क्या व्यू है, इस व्यू पे पैसे पूरे हैं। ये आ रही है जी चना चाट, ये बेवफा लोग चाट खा चुके हैं, अच्छी सी चाट, इसको इसको सलूट है भाई, भाई जी सबसे आगे सलूट है, खाए ना यार चाट की, हाय हाय हाय, ये भाई स्पेशल जो है ना नारायण से मंगवाए हुए, दो लगाने और सर निकिया प्यारियां भी देता है, रंग बड़ियां प्यारियां भी देते हुए ज्यादा भाई, हां भाई लंबा राह मार के आ जाए सर से ना, लगता है बंदे पैसे वाले होना है, पैसे तो पैसे में होना है, अकाउंटेंट यार चाट तो वाकई जो है ना मजे किया, अब चाट मजे की या भूख लगी है इस वजह से मजे की लग रही है, लेकिन 2.5 घंटे लगा के सर हम ऊपर पहुंचे हैं, ये बात है, फिर हमें जो भी खाने के लिए, हमें अगर करेले भी मिलते ना यहाँ पे तो वो हमें हमारे लिए सोना थे सोना, हम यही बात है खुशी से खाते, लेकिन इस व्यू के साथ जो है ना बैठ के चाट खाने का अपना मजा, फाइनली यार चाट शाट भी खाइए अभी और ये व्यू है इस लेक का, यार कमाल का व्यू है, जबरदस्त। मैं कहता हूँ घोड़ों से जो है ना बंदा हाइकिंग करके है ना ज्यादा मजा है, एंजॉय करने के लिए आते हो यार, रेस्ट तो घर में भी मिलती है, अगर आप लोगों ने रेस्ट ही करनी है आसानी ही करनी है तो फिर आने का फायदा क्या है, फिर पिक्चर्स में देखो इसे वीडियोस में देख लो तो बस मजा ही मजा, अगर आना है तो फिर ख्वारी हो, फिर ख्वारी का मज़ा भी आया, फिर ट्रिप का मज़ा भी आया, अभी यहाँ जो है ना पिक्चर शिक्चर बना ली हैं, ठीक है, और अब लौट के बुद्धू घर को जाएं
और हम भी जो है ना वापस जाने लगे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और जितना टाइम हमने सोचा था उतना टाइम रुके नहीं है, पहले ही अक्के हैं सवा एक बजे का। हमने अपनी तरफ से ज़रा जल्दी का टाइम डिसाइड किया था सवा एक बजे वापसी का, लेकिन एक बजे हम कह रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं। क्यों जी? बिल्कुल सही है, बस अब चलते हैं वापस। और नाइट स्टे का भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, नाइट स्टे नहीं करेंगे, जाएंगे खाना खाना खाएंगे, खाना खा के और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हरिपुर की तरफ रवानगी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह रात तक या सुबह तक जो है ना वो वापस हरिपुर पहुँचे होंगे। लौट के बुद्धू घर को आए, घोड़ों वाले वो खड़े इंतज़ार कर रहे हैं और हम आराम सुकून से जो है ना वी आई पी मॉल में वापस आ गए हैं। क्यों जी, आपको कोई थकावट हुई है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल ज़बरदस्त, आराम सुकून से आए हैं। ठीक है, वो भाई मैं कहता हूँ वो बेवकूफ़ हैं घोड़ों पर आने वाले, बंदा घूमने फिरने आता है तो भाई हैकिंग करने के लिए आओ तो फिर करो, ये क्या बात है जी, घोड़े पकड़ो और ऐसे करो तो वैसे करो। गाइस मेरी बात सुने, आप अगर हैकिंग करेंगे ना तो यकीन जाने आपको खुद इधर का एक्सपीरियंस होगा और आपको मज़ा आएगा हैकिंग का, मतलब कि रास्ते में आते जाते लोगों से गपशप भी हो जाएगी और टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। लेकिन जी गाड़ी बिल्कुल फंस गई है यहाँ पे, काफ़ी रोला बना हुआ है, दो तीन दफ़ा गाड़ी पहले फंसी है और फिर यहाँ पे आके दोबारा ये गाड़ी फंस गई है। आसिफ भाई आप क्या कहेंगे? एंजॉय कर रहे हैं यार, बस मौज लूट रहे हैं। 4 बजे हमारा वापस निकलने का प्लान था और अभी तक हम 4 बजे और वो ऊपर देखें आप शोर कितने बजे की आ रही है, क्या शोर है, शोर शोर गाड़ियाँ आ रही हैं और आते हुए जा रही हैं और हम यहीं खड़े हैं इसके इंतजार में। बस वापसी आपकी होती थी, ठीक है, रात को पहुँचे थे सुबह के टाइम पे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी क्योंकि रस्ते में आदि तबीयत खराब हो गई थी, इसको जैसे रस्ते में वीडियो वगैरह नहीं बना सका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।